हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको क्लियर कट बता देंगे क्या सच में मार्केट ऊपर जाना चाहता है आने वाले दिनों में या फिर नहीं जाएगा फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे मार्केट क्लोज हुआ था पॉइंट नीचे यानी कि एट्टी पॉइंट बहुत क्रुशियल लेवल पर अभी इस टाइम पर मार्केट है जो कि है एटीन का लेवल कल सुबह मॉर्निंग पंद्रह मिनट की कैंडल आपको सब कुछ बता देगी मार्केट किस तरफ जाने वाला है रेंज बाउंड रहेगा या फिर ब्रेकडाउन आएगा या फिर कहीं ना कहीं हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा बिकॉज काफ़ी कुछ प्रोबेबिलिटी है लेट्स सी क्या हो सकता है बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ देन हम चार्ट के बारे में बात करेंगे सो so, अगर आप लोग देखेंगे मंथली डाटा एफ आई का बाइंग सेलिंग तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भैया जनवरी में लगभग लगभग बीस हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी एफ अभी भी एक वीक बचा है तो ये थर्टी थाउजेंड के आसपास इजीली जा सकता है यानी कि तीस हजार करोड़ की सेलिंग एफ आई आई के द्वारा की जाएगी डी आई की बात करें तो वही सोलह हज़ार के आसपास उन्होंने बाइंग की है जो कहीं ना कहीं अपने जो एटीन थाउजेंड के लेवल का जो सपोर्ट है वहां पर बस सपोर्ट बना के रखा है डी आई ने वो बुलिशनेस नहीं ला सकते मार्केट में अकेले जब तक एफ आई आई उसमें साथ नहीं देंगे दूसरा अगर हम पिछले महीने की बात करें दिसंबर में तो आप देख सकते हैं दिसंबर में जो टोटल सेलिंग थी वो चौदह हज़ार करोड़ की थी उससे पहले जो बड़ी सेलिंग हुई आप देख सकते हैं अठारह हज़ार करोड़ की सितंबर उससे पहले जो बहुत बड़ी सेलिंग थी वो थी जून में जो कि थी फिफ्टी एट थाउजेंड करोड़ उसके बाद जो अब ये मंथ है ये बड़ी सेलिंग होने वाली है जो कि लगभग लगभग तीस हज़ार करोड़ के आसपास जाएगी तो क्या सच में आपको लगता है मार्केट हमारा ऊपर जाना चाहता है या जाएगा ये एक बड़ा क्वेश्चन है अब हम बात करते हैं कि फ्राइडे को यूएस मार्केट में क्या हुआ तो अगर फ्राइडे की बात करें तो आपको सीधा दिख रहा है नेस्डेक का हमारा टू पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट ऊपर था यानी कि कल हमारे आई टी स्टॉक्स अच्छा करने वाले हैं ये तो लगभग लगभग श्योर है डाउज की बात करें तो एक परसेंट ऊपर था लेकिन उससे पहले दो से तीन दिन ये लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था एंड हमारा इंडियन मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरा जितना ये लोग गिर रहे थे तो एक इस बात पे भी ध्यान देना हमें मॉर्निंग में पुश मिल सकता है जो पहली कैंडल दूसरी कैंडल बनेगी पंद्रह मिनट की वो बड़ी ज़रूर या फिर गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो वो मैं आप लोगों को चार्ट में समझा देता हूँ कि कल क्या सिनेरियो नजर आ रहा है मुझे तो ये पंद्रह मिनट की कैंडल इसमें हम थोड़ा सा लेते हैं स्क्रीन और पिछले चार से पाँच दिन का इसमें अच्छे से डाटा कलेक्ट होता है तो हम वो चीज़ थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं देखिए ये हमारा फ्राइडे ये हमारा थर्सडे ये वेडनेसडे ये है ट्यूजडे ये है मंडे ठीक है ये पिछले वीक का पूरा डाटा आपके पास है अब अगर आपको नोटिस कराऊं एक चीज तो पिछले दो दिन से जो बड़ा हर्डल्स है वो है एक अठारह हज़ार एक सौ पचास का लेवल जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया था अगर आप इन पाँच दिन के अलावा पीछे जाएंगे तो वहां पे भी ये लेवल मैंने आप लोग को बता रखे थे कि इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है उससे पहले वाले दिन की बात करें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इसने एटीन के लेवल को तोड़ा एंड वहां सस्टेन किया जो होती अच्छी बात बट दूसरे दिन सिनेरियो चेंज और वापस से हम इसको तोड़ ही नहीं पाए और नीचे की तरफ चलते चले गए हैं अब सीन क्या हो सकता है उसके अंदर बात करें देखिए मार्केट हमारा जस्ट एटीन थाउजेंड के पास में सत्ताईस पॉइंट ऊपर यहाँ से हमें कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं एटीन थाउजेंड हंड्रेड के आसपास की हमारा पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या हमारा मार्केट एटीन के लेवल्स को तोड़ पा रहा है पहले या दूसरे कैंडल में अगर वहाँ पर मान लीजिए गैप अप इसके ऊपर होती है एटीन थाउजेंड वन फिफ्टी के एंड वो सस्टेन नहीं करता है लेवल्स को तो फिर हम अगर मान लीजिए यहाँ पे पंद्रह मिनट की कैंडल है एट्टीन थाउजेंड वन फिफ्टी के ऊपर ओपन हुआ और नीचे कहीं एट्टी थाउजें वन फोर्टी के नीचे क्लोजिंग देता है पहली पंद्रह कैंड पंद्रह मिनट की कैंडल तो फिर आप लोगों के लिए नीचे के जो लेवल्स हैं जो कि एटीन थाउजेंड के लेवल वहाँ तक मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है अब अगर नीचे की बात करें तो अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है एट्टी के नीचे एंड पंद्रह मिनट की जो कैंडल है वो नीचे ही रहती है तो फिर हम और थोड़ा नीचे की तरफ जा सकते हैं या वापस से रिट्रेस कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं एट्टी के लेवल और फिर भी हम नीचे की तरफ ही जाएंगे बिकॉज सेंटीमेंट हमारे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे ऊपर की बात करें अगर नीचे ओपन होता है तो फिर पहला जो एट्टीन का लेवल है उसको तोड़ने देना देन हमारा नेक्स्ट एट्टीन तक जा सकता है बट ये तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तब हम हम यहाँ तक जाएंगे अगर ऊपर ओपन होगा तो हम नीचे की तरफ आ सकते हैं क्योंकि चांसेस बहुत मुश्किल है कि मार्केट हमारा ऊपर सस्टेन करेगा अगर सस्टेन करता है इन लेवल के ऊपर पंद्रह मिनट की कैंडल में तो फिर हम एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी तक भी कल जा सकते हैं ठीक है तो टू फिफ्टी तक जाने के लिए लगभग हमें दो सौ पॉइंट कल मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा अब हम देखते हैं बड़े सिनेरियो में क्या हो रहा है वीकली और मंथली चार्ट में सो मंथली व्यू लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस मंथ का लास्ट वीक आ गया है और पिछले वीक या पिछले मंथ में क्या हुआ है पिछले कुछ मंथ में या बोलूँ तो पिछले एक साल में क्या हुआ है वो बहुत कुछ आपको बता रहा है कुछ लेवल्स बता रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं देखिए ये जो कैंडल्स ये बनी है वन टू थ्री फोर फाइव ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है एटीन थाउजेंड की लाइन और आपको एक चीज़ नोटिस करके थोड़ा सा शौक लगेगा कि यहाँ पे देखिए वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात बार मार्केट ने इसको अप्रोच किया था मंथली बेसिस बट कभी इसको तोड़ नहीं पाया यानी कि ये जो का लेवल था ये बना हुआ था उसके लिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जो कि पिछले दो महीने से आप देख सकते हैं नवंबर और दिसंबर इसको जब तोड़ दिया तो उसके बाद हमारी जो क्लोजिंग है एटीन थाउजेंड के ऊपर ही हुई है नीचे की तरफ नहीं हुई है बट प्रेशर लगातार नीचे की तरफ बना हुआ है जो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट ले रहा है तो अब ये जो लेवल था अब ये बन चुका है सपोर्ट लेवल तो इस

बोलिश नहीं हम कहीं ना कहीं साइडवेज चल सकते हैं जो पिछले दो महीने से हो रहा है या फिर हम नीचे की तरफ जा सकते हैं अभी वो टाइम नहीं है जहां हम ऊपर जाएं बजट का टाइम है तो नेक्स्ट वीक हमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलेगा बजट आने के बाद डिसाइड होगा कि मार्केट को जाना किधर है किन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल रहा है सेकेंड अब अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे देखो मंथली आपको बता दिया कि कहाँ पे क्लोजिंग होगी तो टेंशन की बताएगी नीचे की बात भी कर लेते हैं सत्रह हजार आठ सौ से लेके सत्रह हजार 770 ये एक लेवल है जो आपको लिख के रख लेना अगर इसके नीचे वीकली या डेली क्लोजिंग हो जाती है तो वो टेंशन क्रिएट कर देगा अपने मार्केट के लिए वो मैं आपको वीकली चार्ट में थोड़ा और समझा देता हूँ सो so, ये हमारा वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में अगर हम पिछले पाँच वीक का यानी कि एक महीने से ऊपर का अगर डाटा देखें तो जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है मैंने जो बनाई हुई है उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ देखा जा रहा है बार बार यानी कि जब तक ये सपोर्ट है तब तक ठीक है लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमें ये वाले लेवल जो कि सत्रह के लेवल ये भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले मंथ में बिकॉज इस मंथ में सिर्फ एक वीक बचा है और पिछले दो वीक में जो कैंडल्स बनी है डोजी कैंडल वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मार्केट जाना किस तरफ जाता है कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं मतलब जहाँ पर जितनी बाइंग आई है, उतनी सेलिंग आई ना तो बायर्स हैवी है हुए मार्केट के ऊपर ना सेलर हैवी हुए दोनों में ड्रॉ हो गया है काइंड ऑफ तो ये बोल सकते हो आप पिछले दो वीक कैंडल से तो कुछ डिसाइडेड नहीं है उससे बट ओवरऑल सिनेरियो ना पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है नेगेटिव और कहीं ना कहीं एक रेंज में रहने वाला है जो रेंज है वो एटीन थाउजेंड टू फिफ्टी और नीचे की तरफ सत्रह हज़ार आठ सौ ये चार सौ पॉइंट की रेंज है जहां ये गेम चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से और लेट्स सी कभी ये गेम आगे बढ़ता है नीचे की तरफ बढ़ेगा ऊपर की तरफ बढ़ेगा डिसाइड किया जाएगा लेकिन जो ट्रेंड लाइन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेवल आपको मैंने बता ही दिए हैं सो येस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं आपको मैंने बता दिया अगर गैप अप हुआ तो कौन से लेवल कल आपको ध्यान में रखने या गैप डाउन हुआ तो आपको क्या ध्यान में रखना है अगर कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल एक नए अपडेट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच